हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉनिक सेक्शंस का डिस्कशन, और इसमें एक्सरसाइज वन पार्ट वन से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पैराबोला का आपका बेसिकली असाइनमेंट वन दिया हुआ है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना है हमें। तो देखिए सेक्शन ए, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन है वहां पे आपको पूछा गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है, और इक्वेशन वो पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम देखें तो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन जो है वो पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगी, कि कंडीशन क्या होगी, पैराबोला रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या आएगी वहां पे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो पैराबोला कब रिप्रेजेंट होगा, जबकि आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो। ठीक है, एच स्क्वायर आपका कितना है, एच स्क्वायर आपका गिवन है, मतलब एच आपका टू है, तो एच स्क्वायर हो गया आपका फोर। ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और बी मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशियंट, सो लेमडा इज इक्वल टू फोर। फिर आते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका बेसिक से ही रिलेटेड है। आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, और उस पैराबोला के लिए आपको वर्टाइसेस, वर्टिक्स हो गया और एक्सिस, फोकस, ये सब निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे पास। फोकस और वर्टेक्स से स्टार्ट की गई है, तो हमें डायरेक्ट्रिक्स तक कैसे भी करके सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन सेटअप कर लो कि किस तरीके का ओरिएंटेशन बन रहा होगा, एक बार एक्चुअल प्लॉटिंग कर लो, है ना। तो फोकस आपका है 1, -1, तो फोकस है आपका 1, -1, यहाँ पे मान लिया है ना, 1, -1 इस तरीके का होगा। ठीक है, एक्चुअल प्लॉटिंग करनी है। और वर्टेक्स है आपका 2, 1, तो 2, 1 वाले पॉइंट कहां पे होगा, तो 2, 1 यहां कहीं होगा। ठीक है, 2, 1 वाले, है ना। तो अब आप देखो, फोकस आपका यहां पे है, वर्टेक्स यहां पे है, तो ऐसा फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो एक्सिस बनाती है, तो एक्सिस आपकी इसका मतलब कुछ इस तरीके से होगी, और फोकस पैराबोला के अंदर लाई करता है। ठीक है, फोकस पैराबोला के अंदर लाई करता है, तो भाई वर्टेक्स ये अगर है तो वर्टेक्स से दो चीजें पॉसिबल थी, एक तो पैराबोला उस साइड चला जाए या फिर पैराबोला इस साइड चला है, लेकिन हमें कैसी बनानी है, हमें कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन रखना होगा, क्योंकि फोकस आपका इनसाइड लाइक करना चाहिए, 1, -1 आपका अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने फोकस निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया, तो इससे बात बनेगी नहीं, अभी आपको डायरेक्ट्रिक्स तक जाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करें, तो आप देखो, आप भाई ये डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, कुछ इस तरीके की डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको ये वाले पॉइंट की रिक्वायरमेंट आएगी, तभी तो आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे, लाइन की इक्वेशन चाहिए ना। तो वो लाइन जो है उसकी स्लोप तो चलो ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ एक्सिस की अगर मैं बात करूं, तो स्लोप ऑफ एक्सिस इज कमिंग आउट एज 2, है ना। तो दैट मीन्स की स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज उसका परपेंडिकुलर, मतलब -1/2। अगर ये 2 है तो इसकी स्लोप क्या होगी, -1/2 होगी। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी -1/2 है, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, हमें पॉइंट भी चाहिए होगा, सो दैट कि हम पूरी लाइन की इक्वेशन लिख पाए। तो लाइन की कैसे करें आगे, तो आप देखो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो ना, आपने पढ़ा होगा कि भाई ये वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, इसका और इसका, फोकस का, दोनों का मिडिल पॉइंट होता है ना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिडिल पॉइंट होता है। तो अब आपको क्या पता चला कि अगर ये आप देखो 2, 1, 1, -1 एंड दिस पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका और इसका मिड पॉइंट 2, 1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट आएगा आपका 3 और 3, यही आएगा 3, 3 और 1, -1 का मिड पॉइंट 2, 1। ठीक है, आप ये तो निकाल सकते हो ना कि अगर पॉइंट क्या होगा इफ 2, 1 इज मिड पॉइंट। तो अगर 3, 3 है वहां पे, तो इस लाइन की इक्वेशन कैसी होगी, आपने कहा कि इस लाइन की स्लोप कितनी रहने वाली है, -1/2 रहने वाली है, तो -1/2 का मतलब हुआ कि x+2y, ठीक है, एंड इट इज पासिंग थ्रू 3, 3, सो लाइन इक्वेशन शुड बी दिस, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हुई। तो अब आपका फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गई, अब आप फिर से वही लगा लो, PS इज इक्वल टू PL, ठीक है। तो PS मतलब HK से इसकी डिस्टेंस, मतलब अंडर रूट h-1 का होल स्क्वायर प्लस k+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PL, PL का मतलब HK से इसकी डिस्टेंस, मतलब h+2k-9 अपॉन √5, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला।
तो डायरेक्ट थर्ड वाले पार्ट में, सॉरी फोर्थ पार्ट है हमारा, और इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। तो पहले तो हम पैराबोला को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कर लेते हैं। ये भी किस तरीके का बनेगा, एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगा, वाई में लीनियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू 3y-10। सो वी शुड इंक्लूड प्लस फोर एज वेल, दोनों साइड में प्लस फोर ऐड कर दें सो दैट ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो प्लस फोर अगर ऐड किया तो दिस इज कन्वर्टेड टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एंड हियर इट इज 3y-6। सो 3 × y-2, क्या किया हमने, दोनों साइड 4 ऐड कर दिया। तो अब ये किस तरीके का बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसा कुछ है ना। ठीक है, तो अब इसका ओरिएंटेशन आप सोचो किस तरीके का होगा। तो इसका ओरिएंटेशन आप बनाओगे, हाँ, इसका ओरिएंटेशन आप बनाओगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, तो इस तरीके का है ना। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका कितना आ गया, ये वाला पॉइंट आपका हो गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ना। अब ये शिफ्टिंग हो रही है तो आपका कैपिटल एक्स की जगह क्या है, एक्स माइनस टू। मतलब आप वर्टेक्स से फिर से कंपेयर करो तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए एंड योर कैपिटल एक्स इज एक्स माइनस टू, कैपिटल वाई इज वाई माइनस टू। सो एक्स माइनस टू इज जीरो एंड वाई माइनस टू इज ऑल्सो जीरो, सो एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू 2, 2। मतलब आपका जो जीरो जीरो वाला वर्टेक्स था वो कहां शिफ्ट होकर के आ गया, 2, 2 पे आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 3, वो रे आपका 3 के बराबर है। तो अगर आप इसकी अब इसमें बचता क्या है, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी थी ना हमें, तो ठीक है। तो अब इसका प्लॉटिंग अगर आप करोगे तो प्लॉटिंग कैसे होगी, ये कुछ ऐसा, ये वाली चीज आपकी क्या बन गई, 2, 2 बन गई है ना। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको कहां जाना होगा भाई, ये तो हो गया आपका एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, 2, 2 से ए यूनिट्स नीचे जाकर के एक परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो 2, 2 से ए यूनिट्स नीचे, ए कितना है आपका, 3/4 है। तो अब यहां से 3/4 यूनिट्स अगर नीचे जाएं तो हम किस पॉइंट से पास करेंगे, 2, 2 से 3/4 नीचे आओ। ठीक है, ये वाला यहां लिख देता हूं 2, 2, ये वाला पॉइंट है। अब यहां से 3/4 नीचे आना है तो क्या बनेगा, 2, 5/4। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 5/4 है ना। तो y इज इक्वल टू 5/4, ये जो है हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कहलाएगा। आपको इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन के लिए आपको निकालना है डायरेक्ट्रिक्स वगैरह है ना, सारे पॉइंट्स निकालने हैं इनफैक्ट। तो आप देखो इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y-3x, एक्स स्क्वायर प्लस 2y-3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब आप क्या करोगे इसमें भी, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको किसी एक में क्वाड्रेटिक किसी एक में लीनियर बनाना है। तो आप देख सकते हो कि एक्स में ही क्वाड्रेटिक पॉसिबल है, तो योर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -2y-5। अगर आप 9/4 इसमें ऐड कर दो तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास मिलेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2y-11/4 है ना। तो -2 कॉमन ले लिया आपने, बचा आपके पास y प्लस 11/8 और यहां से आपके पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसके लिए अगर आप ओरिएंटेशन सोचो, मतलब सबसे पहले तो इसका ओरिएंटेशन सोचेंगे हम। ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब क्या हुआ, किस तरीके का इक्वेशन है। तो ये कुछ ऐसा है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, तो अब इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा कुछ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करो वर्टेक्स से। आपका अगर ये सिस्टम रहता तो आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई क्या होते, आपका कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होते वर्टेक्स के लिए 0, 0। लेकिन कैपिटल एक्स की जगह पे क्या है, एक्स माइनस 3/2 है, कैपिटल वाई की जगह पे क्या है, वाई प्लस 11/8 है इज इक्वल टू 0, 0। तो इसका मतलब कि आपके पास पॉइंट क्या आया, 3/2, -11/8। ठीक है, तो ये 3/2, -11/8 आपका नया वर्टेक्स होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 4a की वैल्यू 2 के बराबर है। तो 4a अगर आपका 2 है तो इसका मतलब a कितना होगा। ठीक है,
ओके तो अब सोचो ये 0 0 वाली चीज कहां शिफ्ट हो गई, यहां पे। तो 3/2 - 11/8 को जाके मार्क कर लेते हैं। तो 3/2 - 11/8 कहां पे आएगा, यहां कुछ मान लिया 3/2 - 11/8, ठीक है, ठीक है ये बात। तो अब यहां पे x² = -4ay, तो मतलब हमारे पास कुछ इस तरीके का, मतलब ये ओरिएंटेशन तो यही रहना है, बस शिफ्टिंग हो गई, वो 0 0 वाली चीज उठ करके यहां पे आ गई, ठीक है। अरे आप वैसे तो वर्टेक्स हमने प्लॉट कर लिया, वर्टेक्स प्लॉट करने के बाद हमारी एक्सिस कैसी हो जाएगी, इस तरीके की, दैट मींस कि एक्सिस आपकी हो गई x = 3/2, ठीक है। अब इससे देखो कि अगर हम इस वर्टेक्स से हाफ यूनिट्स इस डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में पैराबोला के अंदर जाएंगे, है ना, ए यूनिट्स हम पैराबोला के अंदर जाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, फोकस पे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए, 3/2 - 11/8 से हाफ यूनिट्स और नीचे, मतलब -15/8, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए आपको उल्टे डायरेक्शन में जाना होगा, -11/8 से हाफ यूनिट्स ऊपर, तो दैट मींस कि यू विल कवर 3/2 - -7/8, है ना। अब आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये वाली लाइन होगी, मतलब इक्वेशन हो गई उसकी y = -7/8, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप यहां से निकाल चुके हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा गया है कि पैराबोला की एक्सट्रीमिटीज, पैराबोला द एक्सट्रीमिटीज ऑफ हुज लेटेस्ट रेक्टम आर 1 2 and 1 - 4, ठीक है। तो पहले तो देखो किस तरीके का है, 1 2 ये है आपका पॉइंट, 1 - 4 ये है आपका पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अगर ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम ऐसी कुछ होगी, है ना, और लेटेस्ट रेक्टम अगर ऐसी है तो पैराबोला कैसा होगा, या तो ऐसा होगा, है ना, या फिर ऐसा हो, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकता है ना, दोनों ही तरीके से। तो अब अपन आते हैं देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने, ठीक है, मान लो ऐसा चाहे ऐसा कुछ भी हो सकता है, दोनों ही ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो सकती है, और कुछ तो नहीं पॉसिबल होगा ना, ऊपर से नीचे से तो नहीं जाएगा ना, इसी तरीके से जाएगा। तो 1 2 1 - 4 ये हमारे पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, मतलब अगर देखा जाए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी 4a जो होती है वो कितनी है, 6 के बराबर है, है ना। तो फोकस कहाँ आएगा, फोकस आपका आएगा 1 2 1 - 4 का मिड पॉइंट, और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा आपका, 1 - 1, ठीक है। तो इसका मतलब फोकस आपका हो गया 1 - 1, ठीक है, ये बात ठीक थी भाई। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। अब 1 - 1 से अगर आप आपको बनाना क्या था, आपको बनाना था इक्वेशन, है ना। तो इक्वेशन के लिए आप देखिए कि ये आपकी एक्सिस किस तरीके की होगी, ये आपकी एक्सिस होगी, ठीक है, चाहे इधर से भी पैराबोला बन सकता है, अभी भी इधर से भी बन सकता है। तो 1 - 1 से पास होने वाली लाइन, मतलब y = -1 इज योर एक्सिस, ठीक है। अब ये एक्सिस की चलिए मान लीजिए आपके पास इक्वेशन आ गई, आपको क्या चाहिए था, फोकस आपने निकाल लिया, डायरेक्ट्रिक्स और चाहिए, है ना, ठीक है बात। तो अब आप देखो क्या लिख सकते हो इसको, वर्टेक्स के लिए देखो 1 - 1 अगर आपका फोकस है, ठीक है, 1 - 1 अगर आपका फोकस है, तो यहां से 3/2 यूनिट्स पे आगे या पीछे जाकर के हमें मिल रहा होगा क्या, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपका क्या आ जाएगा, अगर 3/2 यूनिट्स आगे गए तो ये 5/2 - 1, और 3/2 यूनिट्स पीछे गए तो दिस इज -0.5 - 1, ठीक है। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी आपके पास, मतलब आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास दो दो पैराबोला पॉसिबल है, इधर वाला भी, इधर वाला भी, ठीक है। तो अब आपका 1 - 1 निकल आया फोकस, वर्टेक्स आपका 5/2 - 1, फोकस और वर्टेक्स पता हो तो हमने A2 वाले क्वेश्चन में निकाला है, ठीक है, फोकस और वर्टेक्स पता है तो आप निकाल सकते हो। फिर इसी तरीके से फोकस और वर्टेक्स पता है तो आप दूसरे पैराबोला का भी इक्वेशन निकाल सकते हो, मतलब यहाँ पे दो पैराबोलास पॉसिबल होंगे, वो दोनों इक्वेशन सब आप आगे कंटिन्यू कर लीजिए, निकाल लीजिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी फोकस और वर्टेक्स अगर गिवन हो तो कैसे निकालते हैं ये A2 में करके दिखाया है, ठीक है। A4 में आप देखिए, A4 में आपके पास एक एक्सिस वर्टेक्स फोकस अब निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले तो ये y में क्वाड्रेटिक बनेगा, 9y² - 12y को एक साइड रखा है = 16x + 57,
तो 9y² - 12y परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है, या 61। सो दिस इज 3y - 2² = 16 × x + 61 / 16। सो 4a आपका, अच्छा 4a तो नहीं अभी है ना, इसको भी y स्क्वायर पहले बना ले, मतलब 3 को हटा लो, 3 को हटाओगे तो क्या बनेगा, y - 2y³² = 16 / 9 × x + 61 / 16। ठीक है, ये इस तरीके की इक्वेशन है। तो अब इस इक्वेशन के लिए अगर देखा जाए तो आपका ये कैसा है, y² = 4a × x, ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका तो ओरिएंटेशन सिंपल वाला हाइपरबोला, सॉरी सिंपल वाला पैराबोला रहता है। तो अब सिंपल से पैराबोला के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका कैपिटल वाई बेसिकली रिप्लेस हो चुका है y - 2/3 से, और वर्टेक्स के लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर, और यहाँ पे x + 61/16 भी आपका किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इसका मतलब अब आपका वर्टेक्स क्या हो गया, -61/16, 2/3। सो योर न्यू वर्टेक्स इज -61/16, 2/3। ठीक है, तो अब -61/16, 2/3, y² = 4x का ओरिएंटेशन रखो और इस तरीके का पैराबोला बनेगा। तो ये वाला पॉइंट तो चलो आ गया, ठीक है। अब एक्सिस आपकी इधर होगी, तो अच्छा 4a भी लिख लेते हैं, 4a आपका 16/9 है, मतलब a = 4/3। तो यहां से a यूनिट्स आगे, 4/3 यूनिट्स आगे जाके आपको क्या मिलेगा, आगे जाकर के आपको x मतलब फोकस, तो 4/3 यूनिट्स आगे गए तो आपके पास आ गया, इधर कहीं आ जाओगे, नहीं यहाँ पे ही रहोगे, ठीक है, नेगेटिव जोन में ही, -61/16 + 4/9, ठीक है। ये आपका फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप क्या करो, यहाँ से 4/3 यूनिट्स पीछे आओ, तो फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी, क्या होगी, -61/16 - 2/3, -4/9, है ना, -4/9 ए यूनिट्स पीछे, और कॉमा इधर आप आओगे तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना है 2/3, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट आपका कितना है 2/3। तो ये आपका फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब ये लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि दिस इज -61/16 - 4/9, ठीक है। और कुछ भी इसमें निकालना था, वर्टेक्स हो गया, एक्सिस हो गया, एक्सिस आपका लिख सकते हो y = 2/3, ठीक है। तो एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम के लिए यही जो है फोकस से पास करने वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर वाली, है ना, यही लाइन जो है आपका लेटस रेक्टम का काम कर जाएगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट हुज सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन एंड लाइन x = 2 इज 4 यूनिट्स। तो ओरिजिन मान, मतलब देखो ये लिख करके, लोकस का क्वेश्चन है ये ज्यादा, तो ठीक है। तो आपका ओरिजिन से और x = 2 से, दोनों से डिस्टेंसेस का सम 4 है। तो h के मान लिया हमने मूविंग पॉइंट, ठीक है, इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस 0, 0 से निकालना है और x = 2 से निकालना है। तो 0, 0 से डिस्टेंस √h² + k² 2 से x = 2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, mod/2 - h, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो h² + k² = h - 2 2, दिस विल बी योर इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपसे कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर दिस डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला, ठीक है। तो अगर पैराबोला के इनसाइड लाई करता है या फिर पैराबोला पे लाई करता है तो आपका s1 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी एक पॉइंट लेकर के सबसे पहले तो देख लो कि इसका जो पॉइंट होगा, है ना, x² + x + 1 है मान लीजिए, ये आप एक बार को ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो x² + x + 1 तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, ये तो आपका सिंपल क्वाड्रेटिक ही है जिसका वर्टेक्स -1/2 है, है ना, और इस तरीके का कुछ होगा 0, ठीक है। ये आपके पास -1/2, समथिंग आ जाएगा, ठीक है, समथिंग क्या लिख ही लेते हैं, कितना आएगा -1/2 पे वैल्यू 3/4, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, आप देख लो एक पॉइंट का नेचर चेक कर लो, जैसे ये मान लो पॉइंट होगा एक -1/2, या फिर अपन सीधा सीधा देखते हैं ना, 0, 0 भाई कैसा बिहेव करेगा, 0, 0 आपका पॉइंट आउटसाइड में है,
ठीक है, तो जैसा एक पॉइंट बिहेव करेगा आउटसाइड का वैसा ही हर एक पॉइंट करेगा। तो देखो अगर मैं एस वन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई, यही है इक्वेशन। तो जीरो जीरो इसके लिए कैसे बिहेव कर रहा है, जीरो जीरो जो कि आउटसाइड लाई करता था, आउटसाइड का एक पॉइंट हमने पहले देख लिया बना करके कि जीरो जीरो तो आउटसाइड है, और जीरो जीरो के लिए ये वैल्यू कैसी हो जाती है आपकी, एस वन इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर जीरो जीरो मतलब आउटसाइड के एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव है तो हर एक पॉइंट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। किसी को ये कंफ्यूजन हो कि एस वन कौन सा लें, वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई, तो वो कंफ्यूजन का कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप कुछ भी एस वन ले लो, बस आप देख लो कि रिलेटिव बिहेवियर कैसा है। आपने इसको एस वन ले लिया, अब मैंने देखा कि भाई ओरिजिन इसके लिए कैसा बिहेव कर रहा है, तो एस वन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बाहर लाई करने वाला हर एक पॉइंट इसके लिए कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब आप देखो आपका पॉइंट कौन सा दिया गया था, अल्फा कॉमा टू अल्फा प्लस वन, तो दैट मींस कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन माइनस टू अल्फा, यही है आपका एस वन, और इस वैल्यू को कैसा होना चाहिए आउटसाइड लाई करने के लिए, दिस क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। तो आउटसाइड लाई करने वाला जो सोल्यूशन आए उसको आप रिमूव कर देना, बाकी सब आपके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस पॉइंट डज नॉट लाई आउटसाइड द पैराबोला, सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस। आप पहले एक एस वन कोई सा भी ले लो, एस वन इसी को ले लो, टू स्क्वायर टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, उसको ड्रॉ करके देख लो कि आउटसाइड लाई करने वाला एक पॉइंट कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। आउटसाइड लाई करने वाला एक पॉइंट गेस कर सकते हो ना एक बार आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो, तो आपने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, आउटसाइड लाई करने वाले पॉइंट का बिहेवियर चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसा वो अगर वो पॉजिटिव आ रहा है आउटसाइड, तो इसका मतलब कि आपको ये साइन अल्फा कॉस अल्फा से भी पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट में आपसे क्या कहा गया कि सर्कल है और वो ऑलवेज टच करता है गिवन स्ट्रेट लाइन और एक गिवन सर्कल को एक्सटर्नली, ठीक है, देन प्रूव दैट लोकस ऑफ इट सेंटर इज पैराबोला, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको इलिप्स में भी और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में भी मिलेगा, बस इंटरनली एक्सटर्नली वाली बात रह जाएगी और आगे जो दोनों केसेस में आपको मिलेंगे वो आपके दोनों सर्कल्स होंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिसमें देखना कि कहीं भी हमें इक्वेशन निकालने को नहीं बोला गया है, बस आइडेंटिफाई करना है कि कर्व का नेचर कैसा होगा। तो हमने मान लीजिए एक सर्कल ले लिया और एक इलिप्स सॉरी एक लाइन ले ली, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो कि इन दोनों को टच करता हो, दोनों को टच करता हो मतलब कि आप कुछ इस तरीके के सर्कल के बारे में सोच रहे हो और उसके सेंटर को आप कह रहे हो कि उसके सेंटर का लोकस बताइए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे, इधर भी बनेगा ऐसा, इधर भी बनेगा, ठीक है। तो इन सेंटर्स का आपको लोकस फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली अब टॉपिक चल रहा है पैराबोला तो पैराबोला ही बनेगा, लेकिन समझते हैं कैसे। पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी, पी एस इज इक्वल टू पी एल, मतलब एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो है वो दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो जरा कि अगर ये सर्कल तो नोन है, ये सर्कल नोन है, इसका मान लिया मैंने कैपिटल आर, ये सर्कल अननोन है, इसका मान लिया मैंने स्मॉल आर, ठीक है। तो ये पॉइंट तो फिक्स था, है ना, ये पॉइंट नहीं फिक्स था, ठीक है। तो सीपी आपका कितना आया, आर प्लस आर आया, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कई लोगों को थोड़ा सा शुरू में पचाने में दिक्कत होती है इस बात को कि ये जो लाइन दी गई है हमें, ठीक है, ये जो लाइन हमें गिवन है, ये तो अभी सी से कितनी डिस्टेंस पे होगी भाई, अगर ये टच कर रहा है ना तो इसका मतलब इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो आर ही आएगा, ठीक है। तो अगर हम एक कंस्ट्रक्शन कर लें कि इसी लाइन, ये लाइन तो फिक्स है, तो अगर इस लाइन से पैरेलली कहा जाए कि एक दूसरी लाइन बना दो, ठीक है, इस लाइन से पैरेलल एक दूसरी लाइन बना दो जो कि बीच में डिस्टेंस आर दे दे, ठीक है। तो अब देखो सेंटर से, इसके सेंटर से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, r प्लस r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर हम एज अ डायरेक्ट्रिक्स ट्रीट करें, मतलब इसको एज अ फिक्स लाइन ट्रीट करें, तो योर सी एल विल बी इक्वल टू r प्लस r एंड दिस वे योर सी पी इज इक्वल टू सी एल, और इसलिए c का लोकस क्या होगा, लोकस हो जाएगा आपका पैराबोला, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहां पे, ये जो लाइन आपके आपको गिवन है उस लाइन के पैरेलली शिफ्ट करके हमें एक दूसरी लाइन को लेना है, और कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल आर डिस्टेंस पे, सो दैट कि इधर भी डिस्टेंस आर प्लस आर हो जाए, दिस एल विल वर्क एज अ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट अपन थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। इनमें देखिए आपके पास क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्लिप्स है, सॉरी पैराबोला है, जिसका आपको फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो सीधा सीधा आप अप्लाई करो, पी एस इज इक्वल टू पी एल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब ये तो आपको फिर से नहीं बताऊंगा मैं, ये आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि 2,0 आपका वर्टेक्स है और वाई एक्सिस आपकी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला है। 2,0 मतलब ये रहा मान लीजिए ये वर्टेक्स है और डायरेक्ट्रिक्स आपकी है वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स है आपकी वाई एक्सिस, तो आपको निकालना क्या है, फोकस। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स अगर वाई एक्सिस है तो जरा देखो यही होगा ना भाई, डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस क्या है, मतलब एक्स एक्सिस या फिर एक ऐसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि 2,0 से पास करे वही एक्सिस का काम करेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया आपका, फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स होता है, जो कि क्या हो जाएगा, 1,0। अच्छा नहीं, ये तो वर्टेक्स तो 2,0 ही था, ठीक है सॉरी, ये फोकस नहीं है, ये वर्टेक्स था सॉरी। ठीक है, तो ये अगर आपका वर्टेक्स है तो वर्टेक्स अभी जो मैंने बात कही वो तो सही है कि वर्टेक्स आपका मिड पॉइंट है, तो अगर ये फूट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स है, तो फोकस क्या होगा, इसको मिड पॉइंट ले लें, तो हियर यू गो विद 4,0, दिस विल बी योर फोकस। आगे बढ़ते हैं, फिर आपसे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। अब ये आपका जो इक्वेशन है ना, ये आपका पैराबोला है जो कि टिल्टेड है, रोटेटेड टाइप का है, मतलब स्टैंडर्ड वाले पैराबोलाज नहीं है। ठीक है, कि इनकी एक्सिस एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे आप देखो, ये सबसे पहले अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो देखो क्या दिख रहा है आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का नीचे लगा दो 3x माइनस 4y प्लस 7y5 का होल स्क्वायर। ठीक, ठीक है, इतनी बात। तो x y की 2, 3 से डिस्टेंस इधर लिखी गई है ना, अंडर रूट ले लेना यार। ठीक है, तो एक्स वाई की 2, 3 से डिस्टेंस इधर लिखी गई है और इधर क्या लिखा गया है आपका, इधर है आपका ये 3, एक बार को मैं लिखी देता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज योर डिस्टेंस एंड हियर इट इज मॉड ओवर 3x माइनस 4y प्लस 7/5। 5 को भी ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये चीज क्या स्ट्राइक करती है, इसका मतलब हुआ कि ये एक्स वाई की डिस्टेंस है किस पॉइंट, किसी लाइन से, किस लाइन से, तो अगर मैं 3x माइनस 4y प्लस 7 से एक्स वाई की डिस्टेंस देखूं तो यही आएगी, और 2, 3 की डिस्टेंस देखूं एक्स वाई से तो यही आएगी। तो इसका मतलब अगर आप फोकस को लेते हो 2, 3 और डायरेक्ट्रिक्स को लेते हो आप 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, एक पैराबोला मिल जाएगा, क्योंकि ये पी एस इज इक्वल टू पी एल की बात करी गई थी। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको पता है तो फोकस है ना, देखो फोकस कैसा भी हो भाई, ओरिएंटेशन इसका कैसा भी हो, लेकिन भाई ये चीज थोड़ी ना बदल जाएगी, डिस्टेंसेस थोड़ी ना बदल जाएंगी, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस तो कितनी रहने वाली है आपकी, 2a के बराबर। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस आपकी 2a है, है ना। तो फोकस है आपका 3x, ये 2,3 और ये है डायरेक्ट्रिक्स। आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालनी है, मतलब 2 टाइम्स आपको 4a चाहिए ना, तो 2 टाइम्स 2a, और 2a कितना है इसकी इससे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप निकाल लो 3 into 2 minus 4 into 3 plus 7, ठीक है, अपॉन 5 का, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखो कि फोकस आपका 3,4 है पैराबोला का और वर्टेक्स ऑफ द फोकस ऑफ वर्टेक्स एट फोकस ऑफ पैराबोला, दूसरे पैराबोला का जो फोकस है वो आपके पैराबोला का वर्टेक्स है। ठीक है, तो दूसरे वाले पैराबोला का आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपने कर ही दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर आपके पास भाई फोकस पता रहेगा, वर्टेक्स निकल आएगा, तो आप निकाल सकते हो ना। ठीक है, ये तो हमने अभी क्वेश्चन किए ही।
ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि पैरामेट्रिकली रिप्रेजेंट इक्वेशन टू पैराबोला, पैराबोलिक प्रोफाइल, मतलब पैराबोला के लिए आपके लिए जो वैलिड हो जाए ऐसा पैरामीट्रिक पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो आप देखो x इक्वल टू 3 cos t, y इक्वल टू 4 sin t, तो अगर आप इलिमिनेट करने जाते हो t को तभी तो आपकी इक्वेशन आएगी। तो अगर आप इलिमिनेट करोगे तो कैसे करोगे, cos t इज इक्वल टू x बाई 3, sin t इज इक्वल टू y बाई 4, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, ये पैराबोला नहीं है। फिर देखो सी पार्ट में, सी पार्ट में x इज इक्वल रूट x इज इक्वल टू tan t, रूट y इज इक्वल टू sec t, तो अब ये देखो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी का यूज करेंगे, तो sec स्क्वायर का मतलब हो गया y, माइनस tan स्क्वायर का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1, तो मतलब y माइनस x इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनेगी, ये भी पैराबोला नहीं है। डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में आपके कहा गया x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin t, अगर याद हो आपको तो इस तरीके के केसेस के लिए आपसे कहा गया था कि 1 को आप कैसे लिख लोगे, 1 को लिख लेना sin स्क्वायर t बाई 2 प्लस cos स्क्वायर t बाई 2 और माइनस आपके पास है 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, ठीक है, तो अब ये भी क्या आएगा आपका मॉड ओवर sin t बाई 2 माइनस cos t बाई 2, ठीक है। तो आप देखो कि x अगर आपका ऐसा है ना, और y आपका कैसा है, y है आपका sin t by 2 plus cos t by 2, तो इन केस अगर मान लो ये पॉजिटिव ही था, मॉड हमारा एज इट इज ओपन हो गया, तो x plus y ने क्या बना लेना है, x plus y by 2 आपका हो जाएगा sin t by 2 और y minus x by 2 आपका क्या हो जाएगा cos t by 2, दोनों का स्क्वायर करके एडिशन किया तब आपका 1 बनेगा। अब आपको यह भी चीज दिख जा रही है कि यह भी आपका पैराबोला नहीं है, पैराबोला की इक्वेशन इस तरीके की नहीं आती है। बी ऑप्शन में देखो क्या है कि बी ऑप्शन में आपके पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos t, तो 2 इंटू 1 माइनस cos t, 1 माइनस cos t मतलब 2 sin स्क्वायर t बाई 2, तो दिस इज योर 4 sin स्क्वायर t बाई 2 एंड हियर y is 4 cos square t by 2, है ना, तो आपको मिलेगा क्या x square plus y is equal to 4, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई किस चीज की, ये आपका पैराबोला हो गया कि नहीं, x square equal to 4 minus y, ये आपकी पैराबोला बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 6 वाले क्वेश्चन पे, 6 वाले क्वेश्चन में आपका फोकल डिस्टेंस आपका 4 है, पॉइंट्स ऑन पैराबोला हुज फोकल डिस्टेंस इज 4, तो 6th क्वेश्चन में फोकल डिस्टेंस अगर 4 है, ठीक है, तो फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, फोकल डिस्टेंस का मतलब हो गया a प्लस xp, यही होता था फोकल डिस्टेंस, फोकस से किसी पॉइंट की अगर डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ऐसे फोकस था आपका a, 0 से अगर कोई पॉइंट है xp, yp, तो इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि ps जो है आपका pl के बराबर होगा, ठीक है, तो दिस इज योर x इज इक्वल टू माइनस a, है ना, तो x इक्वल टू माइनस a से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, इस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई a प्लस xp, है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो आपका a प्लस xp कितना है, 4 है, तो a आपका कितना है, तो xp कितना हो गया, ठीक है, तो x को 1 रख लो, y की वैल्यू निकाल लो, नेक्स्ट देखो आप, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट दिस पॉइंट इज आउटसाइड द पैराबोला, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के बारे में डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट आउटसाइड लाई करना चाहिए, मतलब S1 आपका कैसा होना चाहिए, वहां पे कैसा था आपका, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए पॉजिटिव होता था, है ना, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए x square plus x plus 1 minus y आपने S1 लिया था और ये पॉजिटिव होता था 0, 0 के लिए, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए, तो अल्फा कॉमा अल्फा के लिए भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और इनसाइड सर्कल, तो सर्कल के लिए तो आसान है, एस वन शुड बी लेस देन 0, एस वन यहां लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 50, ठीक है, तो ऐसे अल्फा जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी योर आंसर, मतलब आप पहले तो इससे निकाल लो कि
आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस वाई, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। एंड दूसरी चीज और क्या चाहिए आपको, सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर का मतलब हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 50 आपका कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले अल्फा की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। E8 पे आते हैं, ठीक। इफ ऑन अ गिवन बेस अ ट्रायंगल बी डिस्क्राइब्ड सच दैट सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द बेस एंगल इज कांस्टेंट देन लोकस ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए बीटा। तो आपसे यही कहा जा रहा है ना कि ट्रायंगल बी डिस्क्राइब्स एज द सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ बेस एंगल इज कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं गिवन बेस है, मतलब ये आपको पता है, ठीक है, गिवन है बेस। लोकस ऑफ वर्टेक्स इसको मान लिया मैंने एच के, ये लेंथ आपको पता है गिवन बेस है ना। तो टोटल लेंथ आपकी मान लिया मैंने ए, सपोज ये ए है, और इसको मैं कहीं भी शिफ्ट कर लूं कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, जैसा ओरिजिन के लिए आएगा, अगर ये पूरा सिस्टम उठा के ओरिजिन पे शिफ्ट कर दूं तो भी एच के का जिस तरीके का कर्व ट्रेस होगा वही किसी और पोजीशन में जाकर के इस पूरे डायग्राम को अगर शिफ्ट किया जाए तब भी पूरा यही कर्व ट्रेस होने वाला है। तो हमने अपनी कंफर्ट के हिसाब से इसको ले लिया, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके पास टेन अल्फा कितना आएगा, आप देखो ये वाला एच के था ना, तो ये वाला पॉइंट एच रहेगा, एच कॉमा जीरो है ना, इसको मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करने वाली बहुत सारी चीज़ें कई बार ज्योमेट्रिकली जो लगे आपको कि बहुत ज़्यादा इसमें तो वेरिएबल्स हो जाएंगे, तो वो देख लो। अगर आपको ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नेचर चेक करना है तो वो तो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इक्वेशन थोड़ी निकालना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस को आप कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करके बना सकते हो। तो आपने एच कॉमा जीरो अगर ये था तो आपके पास इधर डिस्टेंस हो गई एच और इधर की डिस्टेंस हो गई ए माइनस एच, ठीक है। तो आप टेन अल्फा के बारे में बोलो, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा आपका कितना आएगा के बाई एच आएगा, टेन बीटा कितना आएगा के बाई ए माइनस एच आएगा, और ये आपका कहा जा रहा है कि फिक्स है, मान लिया लेमडा है, ठीक है। तो अब आपके पास लेमडा इंटू एच इंटू ए माइनस एच इज इक्वल टू के ए, ठीक है। तो आप देख सकते हो h में इधर क्वाड्रेटिक बन रही है और k में आपके पास लीनियर बन रहा है, h के को x y से रिप्लेस कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि h में एक क्वाड्रेटिक है, मतलब x में क्वाड्रेटिक है और y में लीनियर है, मतलब कि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए E8 वाला क्वेश्चन, फॉर अ ट्रायंगल हुज टू वर्टाइसेस आर एंड्स ऑफ अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला एंड थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सेम पैराबोला, ठीक है। फॉर ट्रायंगल जिसके दो वर्टेक्स जो हैं आर एंड्स ऑफ अ डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, डबल ऑर्डिनेट समझते हैं आप, ये आपका मान लीजिए डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला एंड थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सेम पैराबोला, ओके। तो एक्सिस पे अगर लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, भाई ये वाली साइड बराबर ही होगी, सिमेट्रिक डायग्राम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइसोसेलस ट्रायंगल के लिए सेंटर, सरगम सेंटर और सेंट्रॉइड कैसे होते हैं, कोलिनियर होते हैं, और वही चीज आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट में भी है। A10 की बात करते हैं, A10 आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। तो आपको क्या निकालना है, 2 टाइम्स SL, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस, भाई 4a आपको चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2 टाइम्स ऑफ SL, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट आते हैं अपन 11th पे, 11th आपका जो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कोनिक, ठीक है।
तो अब इसमें भी देखिए आप, अब ये भी आपका स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अब आप देखो रूट थ्री एक्स माइनस वाई इधर है, इधर एक्स प्लस रूट थ्री वाई है, तो क्या आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, दोनों चीजें एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो अगर जैसे ये वाली आपने इक्वेशन पढ़ रखी होगी, ये जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है, ठीक है, इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक डेफिनेशन इसकी, कि आपके पास चलिए ये वाली डिस्टेंस वाई है और ये वाली डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर लिखने की जगह पे मैं क्या बोल सकता हूं कि पॉइंट की डिस्टेंस कहां से, एक्सिस से, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर, इसका जुगाड़ हो गया, इज इक्वल टू फोर ए इंटू एक्स, तो फोर ए का मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक्स का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट एट वर्टेक्स है ये, टेंजेंट एट वर्टेक्स से पॉइंट की डिस्टेंस, तो एल आर इंटू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम 4a इनटू ये लेंथ, ठीक है, तो ये लेंथ के टर्म्स में हो गया। अब अगर आप देखो तो यहां पे अगर कोई लाइन है जो कि एक्सिस का काम कर रही है और अगर कोई दूसरी लाइन जो कि टेंजेंट एट वर्टेक्स का काम कर रही है, तो भाई एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स आपस में तो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो यही ऑब्जर्वेशन हमने यहां पे किया, हमने यहां पे देखा कि यहां पे रूट थ्री एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस रूट थ्री वाई है, तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो आप क्या लिख सकते हो, रूट थ्री एक्स माइनस वाई, भाई डिस्टेंस चाहिए ना, तो एक्स वाई की डिस्टेंस आप इस लाइन से मेजर करो, ठीक है, और इस केस के लिए आप क्या करो, एक्स वाई की डिस्टेंस एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इससे मेजर करो। तो जब आप एच के या फिर एक्स वाई की डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे, मैं एच के मान लेता हूं, एच के की डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे तो कितनी आएगी, रूट थ्री एच माइनस के अपॉन टू, यही आएगी, ठीक है, और यहां कितनी आएगी, एच प्लस रूट थ्री के अपॉन टू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आना है तो इसका मतलब यहां पे कैसा रिजल्ट होना चाहिए। अगर आप ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं, करना शुरू किए हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं लाइंस के, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर अगर दिए गए हैं तो इसका मतलब कि ये फॉर्म चल सकता है, क्योंकि एक साइड एक्सिस और दूसरी साइड टेंजेंट एट वर्टेक्स को यूज करना है, रोटेटेड पैराबोला का केस है, इसलिए आप स्टैंडर्ड वाली चीजों से नहीं जाओगे। तो आपके पास देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इधर से कितना आएगा, रूट थ्री एच माइनस के बाई टू, इसका आपको होल स्क्वायर चाहिए होता है, और इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम नहीं पता अभी, और इनटू इधर आपको चाहिए होता है एच प्लस रूट थ्री के बाई टू, ऐसा, ठीक है, ठीक है ना, एच प्लस रूट थ्री के बाई टू, और बीच में आपका 48 लगा हुआ है। तो देखो एच के का अगर इस फॉर्मेट में रहे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, हमारे पास आएगा रूट थ्री एच माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई टू, टू हो गया, तो यहां बचेगा आपका सॉरी 4a और इंटू 4, हाँ 8a बचेगा, है ना, 8a इंटू एच प्लस रूट थ्री के, एच के मतलब एक्स वाई, है ना, तो 8a आपका कितना गिवन है, 48 गिवन है, इसका मतलब आपके पास वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई 6, तो आपको तो निकालना क्या था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। नेक्स्ट अपन देखें, वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला इज 1 2 एंड अदर एंड डज नॉट लाई ऑन, तो फोकल कॉर्ड का अगर एक एंड आपको गिवन है, ठीक है, फोकल कॉर्ड का आपको एक एंड गिवन है, ठीक है, तो दूसरे एंड के लिए आपने क्या फॉर्मूला क्या होता है, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, ठीक है, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस वन, एक टी है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, माइनस वन बाई टी, तो इससे कंपेयर कर लीजिए कि आपका 80 स्क्वायर, ए आपका चलिए 1 था, 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये आपका कितना है, 1 2 के बराबर है, तो इसका मतलब टी आपका 1 के बराबर है, तो T1 अगर 1 है तो T2 कितना होगा, माइनस वन, क्योंकि अदर एंड क्या होता है, माइनस वन बाई टी होता है, ठीक है, तो T2 अगर आपका मिल गया तो ऑब्वियसली आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे ना फिर से, माइनस वन कॉमा टू, ठीक है,
तो माइनस मतलब sec, minus, sorry, 1 कॉमा माइनस 2, ठीक है, अदर एंड ऑफ कॉर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2, और 1 कॉमा माइनस 2 कॉर्ड का अदर पॉइंट हुआ, वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बस हमें वो मेंशन करना था, किसको नहीं करता है इनफैक्ट, ठीक है। ए 13 में देखिए आपके पास है डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8a एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, तो डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ 8a मान लीजिए यहां कहीं होगा, जहां 4a ऊपर जाएगा 4a नीचे जाएगा, इसको कहा जा रहा है कि एंगल मेड बाय डबल ऑर्डिनेट एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, यहां पे ये कितना एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। तो अगर ये 4a है, ठीक है, तो 4a है तो भाई y कोऑर्डिनेट आपका 4a है, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट भी क्या होगा 4a होगा, तो 4a 4a, इसका मतलब कि यहां पे कितना आ गया थीटा, भाई 4a ये है 4a ये है, तो थीटा इज इक्वल टू 45, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपके पास आज का ये असाइनमेंट हमने एंड कर लिया है, थैंक यू ऑल।